नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये हम सभी का चैनल है दोस्तों और यहां पे हम आर्ट सीखते हैं। तो आज सेकंड एपिसोड है, जिसमें फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात किया था कि कैसे हम आउटलाइंस को बेसिकली ड्रॉ करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने बहुत ध्यान से भी देखा उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके, जिसको मैं यहाँ पे अभी इसी पोर्ट्रेट में इम्प्लीमेंट करूँगा। किसी ने ये पूछा था कि अगर शेडिंग करते समय कोई चीज़ ख़राब हो जाए, या जब हमने आउटलाइंस ड्रॉ कर ली उसके बाद जब हम शेड कर रहे हैं और चीज़ें हमारे प्रपोर्शन में नहीं हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं यही करने वाला हूँ। सेकेंड एपिसोड है ये, इसका थर्ड भी बनाऊंगा, बट ये सेकेंड एपिसोड में मैं चीज़ों को ख़राब करूंगा, मतलब प्रपोर्शंस पे इतना ध्यान नहीं दूंगा और केवल शेडिंग करते हुए चलूंगा। ये बिगनर्स के साथ अक्सर ये दिक्कतें होती हैं, जिसमें वो शेड्स करते समय चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो उनको ये लगता है कि मेरे आउटलाइंस ही गलत हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, आउटलाइंस आपकी सही होती हैं, बट शेड्स में जो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए वो आप नहीं रखते हो। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं चीज़ों को ख़राब ही करूँगा, और जो इससे अगला वीडियो में डालने वाला हूँ वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, उसमें देखिएगा मैं चीज़ों को सही करूँगा। तो कैसे, अगर एक बार चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो आप कैसे उसको सही करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिसेम्बलेंस, खासकर जहाँ रिसेम्बल करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मेरी शेडिंग सही जा रही है कि नहीं, मैं बस शेड कर रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस लेवल पे आके ड्रॉ करूँ जिस लेवल पे एक बिगनर जब शेड करता है तो कैसे करता है। मैं बहुत अच्छे से कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे करने की चीज़ों को, बस एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मैं आपकी स्टेज पे आके, जैसा आप एक्चुअल में चीज़ों को करते हो उस लेवल पे आके, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली गलतियाँ कहाँ करते हैं, और वही समझाने की भी मैं कोशिश करूँगा कि कहाँ आप बेसिकली गलती करते हो। तो जैसे देखिए, मैंने आईब्रो ड्रॉ किया, तो आईब्रो में आप देख रहे होंगे रियल इमेज और इसमें आईब्रो में बहुत डिफरेंस है, फिर मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की। यही करते हैं बिगनर्स भी जनरली, कि बार बार वैल्यूज़ को बदलते हैं, और जब इतना ज़्यादा डार्क एक बार ड्रॉ कर लेते हो आप, फिर जब उसमें चेंजेस करते हो तो अक्सर गलतियाँ होती हैं, और ख़ासकर पेपर पे निशान पड़ते चले जाते हैं, विच इज़ नॉट द गुड थिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें मैं बस रफली इसको कर रहा हूँ, आई एम नॉट फिनिशिंग इट आउट, क्योंकि थर्ड एपिसोड में मैं ये बताऊँगा कि बेसिकली हम कैसे रिसेम्बलेंस निकाल के लाते हैं, क्योंकि रिसेम्बलेंस निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अभी शायद जब हम इसको फिनिश करेंगे तो आप देखिएगा कितने परसेंट रिसेम्बल हो रहा है, और फिर जब हम फिनिश करेंगे तब देखेंगे कि कितने परसेंट रिसेम्बल हो रहा है। तो अभी मैं 2B और 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कौन कौन से पेंसिल से यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 2B पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ हो रही है फेस के फीचर्स के अंदर, शेडिंग पार्ट में, मतलब मिड टोन्स में, जहाँ डार्केस्ट टोन है, जैसे कि आईज़ के अंदर का जो आईबॉल है वहाँ पे आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वहाँ ज़्यादा ब्लैकनेस है तो आप वहाँ पे 6B भी यूज़ कर सकते हो, 8B भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिप्स, वो भी स्माइलिंग फेस ड्रॉ करना जिसमें टीथ भी आ जाते हैं ओपन होकर के, तो बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है इसको। मैं बहुत ध्यान से इसीलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्लो डाउन भी किया है मैंने, ताकि आप समझ पाएँ कि कितना हल्के से प्रेशर देना है आपको। अगर आपने ज़रा भी ज़्यादा प्रेशर दिया दोस्तों, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लिप्स का मामला है, टीथ का मामला है, वहाँ आपको बहुत हल्का प्रेशर देना है पेंसिल के ऊपर, एकदम बिल्कुल जैसे ऐसा करिए कि बिल्कुल ना करने के जैसा किया आप, है ना, वैसा करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल टच करके फिर बाहर निकल आना है, ज़रा सा भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोअर लिप में भी थोड़े से लाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ और अपर लिप में भी थोड़ी लाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। रिसेम्बलेंस नहीं मिल रहा है, वो आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हम चलते चल रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, और बेसिकली इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, या हम ये सीखना चाहते हैं, यूँ कहूँ, कि कैसे अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएँ, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएँ, तो उसको क्या सही किया जा सकता है पेंसिल ड्राइंग में, और जब हम एक सर्टेन लेवल तक फिनिशिंग पर पहुँच चुके हों तब,
तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अपर लिप में भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और डार्क कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अपर लिप हमेशा डार्कर होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लिप के, जहाँ पे लाइट सामने से आ रही हो वहाँ पे। और ये मैं बिगनिंग से कहता आ रहा हूँ, मतलब फर्स्ट एपिसोड जो मेरा होगा ट्यूटोरियल का, तब से लेके अब तक मैं यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। और इसको बार बार बताने के पीछे रीज़न भी यही है कि आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से अपने माइंड में एक बार सेट कर लें, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करने जाएँ तो आपके से फिर ये गलतियाँ ना हो। तो अब मैं और फीचर्स को डार्क कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ डार्कर एरियाज़ के लिए। डायरेक्टली 6B भी यूज़ किया जा सकता है, बट लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि अगर एक बार गलत हो जाएगा तो उसमें फिर आप उसको सही भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा 4B रखिए, 2B या 4B से डार्क कीजिए। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चेंजेस तो इसमें डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे। और मैं ऐसा ही स्कोप भी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए एक स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ कि जब हम थर्ड क्लास में पहुँचें तो वहाँ पे हम ये समझ पाएँ कि क्या बेसिक चेंजेस हमें इसमें करने चाहिए थे जो हमने नहीं किए। तो ये दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीखने वाला होगा, सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड। सेकंड में ये देखना है आपको कि आप कैसे करते हो बेसिकली, क्या गलतियाँ करते हो, और थर्ड में कैसे आप, अगर गलती हो जाए आपसे तो आप उससे सीखोगे कैसे। दोनों के दोनों एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन दोनों एपिसोड से ये समझ पाओगे, ये सीख पाओगे कि गलती कैसे करी और ठीक कैसे किया, तो फिर इस वीडियो का सक्सेस है। अदरवाइज़ फिर यही आप सोचते रहोगे कि यार मैच नहीं कर रहा है, या फिर क्या दिक्कत है, या जो गलतियाँ आप करते आ रहे हो वही आप आगे भी करते चले जाओगे। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ख़राब करके चीज़ों को दिखा रहा हूँ आपको कि बेसिकली ख़राब किया कैसे जाता है, और अगर ख़राब हो जाए तो उसको फिर सही कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस तरह से समझ पाओगे चीज़ों को, तभी आप आगे निकल के आगे आ पाओगे कि कोई बात नहीं। फिर आपके अंदर का जो ये डर होता है ना, जो आपको बांध के रखता है, जो आप ये सोचते हो कि यार पेंसिल को स्ट्रोक्स आप फ्रीली नहीं चला पा रहे हो, वो निकल जाता है, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ स्ट्रोक्स गलत भी चले गए पेंसिल के, या कुछ शेडिंग्स गलत भी हो गई, तो मैं उसको बाद में सही कर लूँगा। इसी तरह से मैंने अपनी क्लासेस में भी सिखाया है, जो स्किल शेयर पे क्लासेस हैं उस पर भी मैंने इसी तरह से सिखाया है, और बहुत ही बेहतर ढंग से लोग वहाँ पे सीख भी रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा स्किल शेयर की क्लासेस को मेरी। अभी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी क्लासेस में बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स किया है आप सभी लोगों ने, ग्रेफाइट हो, चाहे चारकोल हो, चाहे सॉफ्ट पेस्टल हो, तो तीनों के तीनों ही क्लासेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। वहाँ पर बहुत लोग सीख रहे हैं उनसे। आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी क्लासेस उस पर डालने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें, और एक डिस्कशन का फोरम क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको अभी कंटिन्यू ही रख रहा हूँ। और अब देखिए, मैंने जैसे हेयर में भी ऐसे ही किया, 6B को डायरेक्ट यूज़ किया, स्ट्रोक्स क्रिएट किए, और स्ट्रोक्स का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रखने की कोशिश की है। हालांकि ये ट्यूटोरियल हेयर के लिए इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरे पोर्ट्रेट को बनाया है तो मैं हेयर पर भी फोकस करूँगा। और अभी तो जैसे हम इसको रफली पैचेस वाइज फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम इसको प्रॉपरली फिनिश करके कैसे सही तरह से फिनिश करा जाता है वो करेंगे। हाँ, हेयर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, फीचर्स वगैरह में। हेयर्स पे फिर एक डेडिकेटेड एक क्लास कर लेंगे, जिसमें आप बिल्कुल आराम से समझ पाएँ कि कैसे हेयर को बेसिकली आपको करना चाहिए फिनिश। मैं 6B को यूज़ कर रहा हूँ, ओवर द हैंड जो मैंने ग्रिप है वो लिया हुआ है, और उसी से मैं हेयर को डार्क कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ों में मेरा इतना इतना फोकस है नहीं, जैसे कि इयररिंग्स वगैरह हो गई, उस पर मैं अभी इतना ध्यान दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस चीज़ है। मेरा जो मेन फोकस है वो है फीचर्स। अगर आप फीचर्स समझ में आ जाएगा आपको पोर्ट्रेट के, तो आप बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट बना ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो आप समझने की कोशिश करेगा। अभी देखिए बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है चीज़ें, 30-40% मिल रहा होगा तो मिल रहा होगा, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, ध्यान से नहीं मिल रहा है। तो आगे जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, जो इसके अगला एपिसोड होगा, उस पर मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कितना हम डिसेंबल कर सकते हैं एक बार ख़राब करने के बाद पोर्ट्रेट को, वो देखेंगे, वो सीखेंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने लायक है।
और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो वही मुझे आइडिया आया कि मैं एक बार ख़राब करके फिर सही करता हूँ चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।